चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज आपके साथ बिल्कुल फ्रेश चैप्टर अंदर चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपके में से क्लियर करूं जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होनी चाहिए। मान लो कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का है। कितना है? 90। तो अगर एंगल 90 डिग्री का है इट मींस आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओ। क्या होता है बच्चों, जो 90 के सामने वाला साइड होता है वो हो जाता है आपका हाइपोटेनियस। क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस। बच्ची दो चीजें और, परपेंडिकुलर और बेस। बच्चों परपेंडिकुलर और बेस इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट्स आप एंगल आर कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल आर के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, लेट सपोज आपने ये एंगल कंसीडर किया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। लेकिन मान लो कि आपने ये एंगल ना कंसीडर करके बच्चों आपने जो कंसीडर किया है वो ये एंगल किया, तो अगर आपने ये एंगल कंसीडर किया है इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। मतलब अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो आपका 90 डिग्री है उसके सामने वाला एंगल आपका हाइपोटेनियस हो जाता है। पहले उसको फिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर और ये एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर, और इन तीनों में एक रिलेशन होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? अब बच्चों क्या होता है, इन्हीं साइड्स के रेशियो ले लेके, मतलब कभी परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो, तो कभी हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो, इनके रेशियो ले लेके हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके हैं वो हैं आप लोगों के साइन, कॉस, टेन, और जस्ट इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। टोटल 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और इसके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट। अब मान लीजिए बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला याद करने का तरीका यहाँ बता देता हूँ, एंड दैट इज, इसे याद करते बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान देना स्टूडेंट्स। S stands for the sign. S stands for the sign. और sign का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बच्चों आप सब जानते हो sign का जस्ट रिवर्स क्या होता है? cosec. तो cosec बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अगला S से हो गया sign, C से क्या होगा? cos. C से क्या होगा? cos. और कॉस का फॉर्मूला क्या बन रहा है? बी बाय एच, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो क्या हो जाएगा? एच बाय बी। कोई डाउट यहां जी बच्चों आप लोग? ये टी जो है, टी स्टैंड फॉर टेन। टेन क्या है? पी बाय बी। आप देख सकते हैं टेन क्या है? पी बाय बी, टेन का उल्टा, तो कॉट क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट।
आई थिंक आप लोगों को यहां तक बिल्कुल क्लियर रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो शुरुआत रहेगा हमारा 8.1 एक्सरसाइज से। तो बच्चों 8.1 निकाल लो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार आप सभी बच्चे रीड आउट करो कि 8.1 के पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बच्चों एक बार अगर आप उसको रीड आउट करें तो उसमें कहा गया है कि ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है बी पे। एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है बी पे। राइट एंगल एट बी का मतलब हुआ बी आपका 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी मतलब बी आपका 90 डिग्री। ए यहां रख दो, सी यहां रख दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ए बी दे रखा है 24। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बच्चों बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी। तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे यहां पाइथागोरस ताकि हमें मिल जाए ए सी का वैल्यू। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों ए बी का वैल्यू हो गया 24, बी सी का वैल्यू हो गया 7। 576 प्लस 49 बच्चों ए सी स्क्वायर हो गया 625। ए सी अंडर रूट 625 जो कि बच्चों आप लोगों का आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दैट इज 25 सेंटीमीटर। यहां तक हर बच्चे को क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हमसे चार वैल्यूज पूछी गई है बच्चों। एक पूछी गई है साइन ए, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा गया है कॉस ए। तीसरा हमसे पूछा गया है साइन सी और चौथा हमसे पूछा गया है कॉस सी। बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। शुरुआत कर रहे हैं साइन ए से। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। एंगल कौन सा लेना है हमें, एंगल ए। कौन सा, ए। ए को मार्क करो, एंगल ए। तो बताओ बच्चों ए के सामने वाला क्या होगा, ए के सामने वाला क्या होगा, और ये क्या हो गया, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया बेस। 90 के सामने वाला कोई दिक्कत, तो भाई P बाय एच। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेनियस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो, कोई डाउट। बच्चों cos A B बाय एच अभी भी A एंगल है तो इसी A एंगल के अकॉर्डिंग बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस, कोई डाउट, क्लियर। लेकिन आगे एंगल A है या चेंज हो गया है, क्या एंगल है अब। तो बच्चों इसको हटाओ आप और सारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर, एंगल सी। हाँ भाई एंगल सी के सामने वाला क्या होगा, एंगल सी के सामने वाला क्या होगा, और ये जो बच गया साइन सी क्या होता है पी बाय एच। तो बच्चों सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना और हाइपोटेनियस कॉस सी, कॉस क्या होता है बी बाय एच। बच्चों सी के अकॉर्डिंग बेस कितना, हाइपोटेन्यूस कितना, कोई डाउट, क्लियर। आपको सारा ध्यान किस पे देना, अपने एंगल के ऊपर, कौन सा एंगल निकालना है हमें, कौन सा एंगल ट्रीट करना है हमें, ए की बी की सी। डन, सबको क्लियर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस पे बेस आपको एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिलहाल सही बच्चे इसको नोट डाउन कर लो। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस कोटा। दो ऑलरेडी हमारे पास साइड गिवन इस ट्राइंगल में, दैट इज पी क्यू 12 एंड पी आर 30। तो दो साइड है, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। 90 के सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 गिवन है, PQ हो गया 12 प्लस QR का होल स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 169, 144 प्लस QR का होल स्क्वायर।
ये टर्म प्लस है रहा, क्या हो जाएगा माइनस, स्क्वायर धरा के रूट, ये आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। आपका क्यू आर का वैल्यू आ गया एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। यहां लिख दिया बच्चों हमने 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? अब हमें चाहिए टेन पी माइनस कॉट आर। सबसे पहले निकालेंगे टेन पी, पी मतलब ये एंगल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये, और 90 के सामने वाला, कोई डाउट? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 और बेस, कोई डाउट? क्लियर? अब देखो बच्चों, कॉट आर, अब एंगल आर लेना है हमें, इसको हटा दो पहले। ये रहा एंगल आर, एंगल के सामने वाला जो बच गया, कोई दिक्कत? कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय, इसके अकॉर्डिंग बेस कितना हुआ? परपेंडिकुलर, कोई डाउट? हमें इन दोनों क्या करना है? माइनस, हमें चाहिए टेन पी माइनस कॉट आर, इट्स 5/12, 5/12 क्या आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? सबसे पहले आपके पास दो साइड गिवन थी, तो आपने तीसरी साइड को यूजिंग पाइथागोरस निकाला। उसके बाद तीनों साइड आपके पास आ गई, उसके बाद तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना था। टेन पी चाहिए, तो पी एंगल यूज किया हमने, ये वाला एंगल, इसके सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना, हर क्वेश्चन में ध्यान देना कि आपको कौन सा एंगल यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसी एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस होता है, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स है कि 90 के सामने वाला ही क्या होगा? हाइपोटेनस। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें इस बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखा है 3/4, और आपसे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है। कॉस ए टेन ए क्या? इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछा होता है तो प्रोसीजर सेम होता है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर गिवन है और बाकी पांच पूछ रहा है, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना लो, इसको एंगल ए कंसिडर कर दो कि यहाँ एंगल ए है, बाकी आप कुछ भी लिख दो, यहाँ बी एंगल लिख दिया और यहाँ सी, और इसको 90 डिग्री शो कर देना कि विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व की नहीं जा सकती। अब देखो बच्चों, साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए ये रहा, इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ क्या है? 3। रेशियो है बच्चों, इसलिए आप यहां पर के लिखो, क्या लिखोगे? के। हाइपोटेनस कितना है? 4 के। कोई दिक्कत? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, साइन ए हमें गिवन, साइन ए क्या होता है? पी बाय ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3, और हाइपोटेनियस 4, तो हमने इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को प्लेस कर दिया। रेशियो है, और रेशियो को जब भी स्प्लिट किया जाता है कॉन्स्टेंट लगाया जाता है। 9th क्लास में होता था 2:3:4, तो आप क्या लिखते थे? 2x 3x 4x। तो रेशियो जब भी हटाते हैं तो वहां कॉन्स्टेंट टर्म जरूर मल्टीप्लाई की जाती है बच्चों। यहां पर अब आप ए बी निकालेंगे, तो हम लगा देते हैं पहले पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी हो गया 4k, बी सी हमारा 3k, और ए बी हमें नहीं पता बच्चों उसकी वैल्यू क्या है, वो फाइंड आउट कर लेंगे। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस जरा क्या हो जाएगा? माइनस, वो जो स्क्वायर जरा के क्या हो जाएगा? रूट 7 का, कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, तो रूट 7 रहेगा, और k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? k। तो आपको ए बी का वैल्यू मिल गया एंड दैट इज अंडर रूट 7k, कोई डाउट? क्लियर? क्या करना है? सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहां गिवन है साइन ए, साइन ए हो, कॉस ए हो, टेन ए हो, कॉसेक ए हो, कॉट ए हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले इसके आगे फॉर्मूला लिखना है, जिससे आपको दो चीज तो मिल जाएगा, जैसे आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल गया, पहले उनको प्लेस कर दो, और तीसरी वैल्यू को यूजिंग पाइथागोरस हमेशा निकाल दो। अब आप बिल्कुल फ्री रहो, सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे आपके। क्या आपको चाहिए? कॉस ए,
बच्चो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया रूट सेवन और हाइपोटेन्यूस हो गया, आंसर आ गया रूट सेवन बाय फोर। कोई दिक्कत? क्योंकि एंगल ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन। एंगल के जस्ट सामने वाला जो एंगल ट्रीट कर रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन। क्लियर? अब जैसे मान लो हमने कॉस ए निकाला, मेरे ख्याल से आप इसी तरीके से टैन ए भी निकाल सकते थे, पी बाय बी, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और अपॉन में, मेरे ख्याल से कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं आया होगा, क्लियर होगा आप सबको, क्लियर है?